Welcome in our channel Ijaz Study Abhiyan. Please subscribe my channel and tap the bell icon. Let us start video. Assalamu alaikum. आप देख रहे हैं हमारा चैनल Ijaz Study Abhiyan. आज मैं कुछ नया टॉपिक आपके सामने लाया हूँ जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है. तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बनी है. ऑल मैटर्स मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स, सभी मैटर्स छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं. आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हो गया कार, टीवी, फ्रिज, ये सब क्या है, मैटर्स है जो कुछ स्थान को घेरता है, जिसे पुश या पुल करने में कुछ फोर्स लगता है, इसे हम कहते हैं मैटर्स. अब इसके कुछ स्टेट्स होते हैं कि किस में मैटर्स रहते हैं. उसके तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इन तीनों में हमेशा मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं. तो देखिए, सॉलिड का एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रिक्स, स्टोन, पेन, बुक्स, चेयर, टीवी, बोतल्स, माउंटेन, टेबल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सॉलिड है. लिक्विड का एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर, ऑयल, मिल्क, टी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ये सब आपके लिक्विड के एग्जांपल है. नेक्स्ट आता है आपके सामने गैस, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब आप क्या है, गैस है, ये गैस का एग्जांपल है. अब हम आपको इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बताएंगे. ये डिफरेंट आपके सामने देख सकते हैं आप, है सॉलिड में देखिए रिजिडिटी मोर होता है इसमें, ठीक है, रिजिडिटी मोर होता है, यानी कहने का मतलब है इसका शेप चेंज आसानी से इसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट कंप्रेस्ड. जब इसका शेप नहीं चेंज किया जा सकता इसका मतलब ये है कि इसे कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता. और लिक्विड में इसमें ज़्यादा इसका शेप चेंज करने में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इसे कंप्रेस्ड लिटरली से थोड़ा सा आप कंप्रेस्ड कर सकते हैं. और गैस में आप देख रहे हैं नॉट रिजिडिटी इजली कंप्रेस्ड, इसमें रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होती है, इसे आप बिल्कुल आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं. तभी आप देखे होंगे कंप्रेस्ड करके कई जगह पर गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे जैसे एलपीजी को भी कंप्रेस्ड करके भी भरा जाता है, ये सब गैस में आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है फ्लूडिटी नील, सॉलिड में जो फ्लूडिटी होती है, जो फ्लो होता है, यानी कहने का मतलब है जो सॉलिड होता है फ्लो नहीं होता है, ठीक है. अगर उसको आप एक स्थान पर रख देते हैं तो वो वहीं पर रहता है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से तैर कर वहाँ पहुँच जाए. लेकिन वही लिक्विड में स्लिपरी एंड फ्लो हायर टू लोअर लेवल, जो लिक्विड में होता है इसमें फ्लो बहुत होता है, इसमें फ्लूडिटी होती है, ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ तेजी से बढ़ता है. एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पहाड़ से जब पानी गिरता है तो वहाँ से भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, हायर से लोअर लेवल की तरफ ये फ्लो करता है. और गैस जो है फ्लो ऑल डायरेक्शन, गैस सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तभी आप एयर अपने आप चारों तरफ पाते हैं, वो तेजी से बहता है, इधर उधर कहीं भी फ्लो कर सकता है. नेक्स्ट है स्टोरेड विदाउट वेसल, सॉलिड को आप बिना किसी साधन के किसी चीज़ में रखे हुए भी आप उसको रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पैक करके ही रखें. जैसे कि अगर आप कुछ सामान रखना है, बॉक्स रखने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहीं पे बिल्कुल पैक करके रखें, वो वैसे भी आप उसको रख सकते हैं. जैसे कि आपके घर में टीवी रखा रहता है, ये भी सॉलिड है, ये भी बिना किसी वेसल के रखा रहता है. लिक्विड में स्टोर्ड इन वेसल ओनली ओपन वेसल, ठीक है, इसे आप स्टोर कर सकते हैं वेसल में, इसको आप केवल स्टोर करेंगे. अगर आप इसे वेसल में नहीं रखेंगे तो जैसे कि अगर आप पानी को बोतल में ना रखें तो बह जाता है, फैल जाता है इधर उधर, इसीलिए इसको स्टोर करना ज़रूरी है. लेकिन मे आल्सो वर्क, ओपन वेसल में आल्सो वर्क, ये खुले वेसल में भी काम करता है. अगर जैसे कि आप बाल्टी में पानी रख लिया ऊपर से खुला, फिर भी ये काम करेगा. और नेक्स्ट है गैस का ओनली क्लोज्ड वेसल, गैस को आप केवल इसे क्लोज्ड वेसल में, बंद वेसल जो बंद रहे बिल्कुल, उसी में आप रख सकते हैं इसे. नहीं तो ये जैसे कि आप पेट्रोल का एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आप पेट्रोल को खुला रख दें तो वो जल्दी से एयर में इन्वॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली बाइंड होते हैं,
उनके अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर फोर्स ज़्यादा होता है। वहीं लिक्विड में आप देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन सॉलिड, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होता है, इसलिए ये इजली फ्लो भी करता है। और नेक्स्ट है गैस का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बहुत कम होता है, तभी तो ये आसानी से हर जगह फ्लो करते हैं। अब नेक्स्ट है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस लिस्ट, जो सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और लिक्विड में आप देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस में आप देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस गैस में होता है। आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सीखा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।